छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे हा प्रदेश में धान खरीदी ला लेके जानकारी दे हावे। संगे संग ओहा विधानसभा के शीतकालीन सत्र ला लेके जानकारी देत हुए बताइन के विधानसभा के सत्र 2 जनवरी ले 6 जनवरी तक हो ही और इस दौरान ओहा बीजेपी ऊपर हमला बोलत हुए कहन के बीजेपी ला सत्र ला लेके हमेशा शिकायत रहते मगर सत्र हमेशा एक हफ्ते के ही होते। की तारीख में लगभग 72 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिया जा चुका है। लगभग 18 लाख से अधिक किसानों का जो पंजीकृत 26 लाख किसान है उसमें 18 लाख से अधिक किसानों का धान सुचारू रूप से खरीदी किया जा चुका है। इस सत्र में जो हम 110 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी करने वाले हैं तो जिस तरीके से किसानों को सुविधा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है मैं ऐसा समझता हूं हम लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। शीतकालीन सत्र हमेशा के भांति 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। हमें लगता है कि समय का जहां तक बात है हमेशा संख्या बल के आधार पे समय का आवंटन होता है। ये भाजपाइयों का दुर्भाग्य है कि संख्या उनकी सीमित हो गई है इसलिए समय तो उतना ही मिलेगा लेकिन सत्र हमेशा 1 सप्ताह का होता है और 2 दिन पहले हो गया है 5 दिन अभी और होगा। भाजपा जितने भी मुद्दा उठा ले सरकार उसका जवाब देगी।